आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। अफीम का एडिक्शन, उसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त अग्निहोत्री महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। पेपेवर सोमनीफेरम नाम का एक पौधा होता है जिससे अफीम या अफू तैयार किया जाता है। ये जो पौधा है ना, इसका जो फल रहता है इसको चीरा मारा जाता है, अपरिपक्व जो फल रहता है उसको चीरा मारा जाता है और वहां से जो दूध निकलता है लेटेक्स, उसको सुखा के फिर वहां से अफीम बनाया जाता है या ओपियम बनाया जाता है। उसके ऊपर फिर प्रक्रिया करते हैं और प्रक्रिया केमिकल कुछ प्रोसेसिंग करके मॉर्फिन बनाया जाता है जो ज्यादातर इंजेक्शंस में उपलब्ध है, इंजेक्शन, मॉर्फिन का इंजेक्शन। और मॉर्फिन के ऊपर केमिकल प्रक्रिया करके हेरोइन बना जाता है जो 2 से 4 गुना बहुत ज्यादा पावरफुल मॉर्फिन से रहता है। तो लोगों को इसकी बहुत किक आती रहती। तो जो ओपियम है, तो ओपियम खाया जाता है, सूंघा जाता है या इंजेक्शन लिए जाते, तो इसके अलग अलग प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया से कम पावरफुल जो है वो है ओपियम, ज़्यादा पावरफुल है मॉर्फिन, उससे ज़्यादा पावरफुल है हेराइन। इसके जो एडिक्ट है वो एडिक्ट रोज इसका सेवन करते, इतना महंगा है ये कि लोगों को 5 से 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये महीने के खर्चे करने पड़ते हैं और इसके अलावा इंजेक्शन लेते लेते पूरे बॉडी के ऊपर छेद हुए रहते। इसका जो विड्रॉल है इतना भयानक रहता है कि वो नहीं लिया, मॉर्फिन नहीं लिया, हेरोइन नहीं लिया, उसमें मिलावटी करके पाउडर बनाया जाता है, उसको ब्राउन शुगर बोलते हैं और वो भी सूंघा जाता है या खाया जाता है। तो वो नहीं लिया तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है बॉडी में, फिर उबासी आना, थकान आना, आदमी एकदम ऐसा बेकाम हो जाता है, काम का नहीं रहता, पूरा बदन पैरालाइज हुआ ऐसा लगता है उसको, हाथ कांपने लगते हैं, मोशंस लगते हैं और उसको लगता है कि अभी अपन मर जाएंगे, इसलिए फिर उसको और लेना पड़ता है। और वो लेने के लिए, वो पाने के लिए फिर आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हॉस्पिटल में हम जब पेशेंट को एडमिट करते हैं तो हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करके वो भागने की कोशिश करता है कि जहां उसको मिलता है मॉर्फिन या हेरोइन वहां जाके वो एक बार ले सकेगा और उसका जो तकलीफ है ना वो निकल जाएगा। तो कोई भी हालत में भर्ती होने को तैयार नहीं रहते, वो उनको चाहिए बस उनका ड्रग चाहिए और वो कोई भी हालत में वो ड्रग लिया तो उनको अच्छा लगता है। अच्छा, उसका इफेक्ट जो है वो 2-4 घंटे के बाद में पूरा निकल जाता है, फिर उसको लेना पड़ता है। तो दिन में 8-10 बार जब वो लेता है तब तो उसका इफेक्ट रहता नहीं और रोज का रोज उसको देना पड़ता है और बढ़ाना भी पड़ता है। उसका इलाज करने के लिए हम क्या करते, लोगों को एडमिट करते, दाखिल करते और दाखिल करके उनके ऊपर इलाज करते। अभी जो हमारे यहाँ प्रचलित इलाज जो है वो हम बुप्रेनॉर्फिन जो है ड्रग, बुप्रेनॉर्फिन टैबलेट मिलती है तो बुप्रेनॉर्फिन से उसका इलाज करते हैं जो 2 मिलीग्राम से लेके गोलियां तैयार होती है 8 मिलीग्राम तक, ज़्यादातर 2 मिलीग्राम बुप्रेनॉर्फिन और उसके साथ साथ नैलॉक्सन जो है वो 0.5 मिलीग्राम ऐड करके गोली बनती है, वो गोली से हम उसका इलाज कर दे। गोली से होता क्या है कि उसको वो विड्रॉल सिम्टम जो तकलीफ है वो कम हो जाती है। सिर्फ बुप्रेनॉर्फिन दिया उसको तो लोग उसको क्रश करके पानी डाल के उसको बेंजोडाइजेपिन या मतलब नींद की गोलियां जो है, नींद की दवाइयां उसके साथ में इंजेक्शन करके वो ले सकते हैं। इसलिए प्योर बुप्रेनॉर्फिन नहीं दिया जाता, बुप्रेनॉर्फिन के साथ में नैलॉक्सन दिया जाता है और उसका फिर इलाज किया जाता है। ट्रेमाडॉल जो ड्रग है वो भी हम देते हैं इसके साथ में, ट्रेमाडॉल जो 100 मिलीग्राम से लेकर 400 मिलीग्राम तक वो रेंज में हम देते हैं जिससे उसका जो दर्द है बॉडी का वो दर्द कम महसूस होता है या थोड़ा सा यूफोरिया भी आता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ी नींद भी आ जाती है और विड्रॉल सिम्टम्स कम हो जाते हैं। फिर एक बार पेशेंट को छुट्टी हो गई हॉस्पिटल में से
तो फिर ये दवाई जो है गोली, वो गोलियां 2 से 4 गोलियां रोज की देके फिर उसको हम बोलते कि धीरे 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 गोलियां कम करो। गोली धीरे धीरे कम करते करते गए तो तकलीफ भी नहीं होती है, और 1-2-3 महीने में वो जो व्यक्ति है वो पूरा ये अफीम से, मॉर्फिन से या हीरोइन से, जो भी एडिक्शन होगा या ब्राउन शुगर का, उससे मुक्त हो जाता है और अपना जीवन अच्छे तरह से जी सकता है। तो वीडियो लोगों को ज़्यादा से शेयर करो, लोग छुपे छुपे लेते हैं, बताते नहीं कि ये कहाँ मिलता है, कौन बेचता है, ये बताते नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है कि पकड़े जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा इसलिए। और लोग छुपके छुपके वीडियो देखते हैं, उनको चाहते हैं कि अपने अच्छा होना चाहिए करके। तो ज़्यादा लोगों को फैलाओ ताकि लोग अच्छा जीवन जी सकेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।